तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से यह राम चीनी मिल खंडहर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर माना जाता है कि यानी कि पहले यानी कि इससे यानी कि 20-30 वर्ष पहले यहाँ पर बहुत यानी चीनी का उद्योग चलता था और यहाँ से हजारों लाखों परिवार का रोजी रोटी चलता था। यहाँ पर अभी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अभी जो है यह खंडहर में तब्दील हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका कारण है कि यहाँ पर यानी कि यहाँ का जो किसान है वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा गन्ना उगाता था और यहाँ पर ज़्यादा पैदाइश में यहाँ पर चीनी बनाया जाता था, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र का बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब से यह बंद हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खंडहर हो चुका है दोस्तों। कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चलते। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से राम चीनी मिल जो है वह खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं किस तरह से यह जो है खंडहर बन चुका है। तो दोस्तों यह बंद होने के कारण जो है यहाँ पे जो किसान था वह गन्ना उगाना बंद कर चुका है और यह साफ तरह से पूरी तरह से यह जो है वो बंद हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खंडहर हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ यानी चालू करवाने के लिए भी सोचता है तो यहाँ पर बिल पास करवा लेता है और यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है और यहाँ पर सरकार जो है वह ध्यान भी नहीं देता है। यहाँ पर देख सकते हैं राम चीनी मिल का कुछ इस तरह से हाल हो चुका है। तो आप लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और राम चीनी मिल को फिर से शुरू करवाने के लिए अपना सहयोग करें।